सेकंड पार्ट है, इसमें भी हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हुए इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, 55 इससे इधर है, इसको उठा के इस तरफ ले आएंगे, प्लस था इधर आके माइनस। कैसे पता चलता है प्लस है? यहाँ अलामत ना हो तो उससे पता चलता है ये प्लस है, इधर आकर माइनस हो गया। तो अब सिंपल एक्स स्क्वायर वाली जो है वो ए हो जाएगी, एक्स वाली बी हो जाएगी, और जो तीसरी कांस्टेंट है वो सी हो जाएगी। यहाँ पे हम अपना फार्मूला यूज़ करेंगे, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, ये आपको याद होना चाहिए ज़बानी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए। तो वैल्यूज इसमें रखते हैं, बी की वैल्यू है माइनस टू प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर माइनस फोर, ए फोर है और सी है माइनस 55 ओवर टू ए, ए क्या है फोर, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस टू, प्लस माइनस टू का स्क्वायर फोर हो गया, माइनस माइनस प्लस चार चार सोलह, सोलह मल्टीप्लाई 55, तो ये आ जाएगा हमारे पास 880 ओवर टू फोर ज़ार एट टू प्लस माइनस, ये 884 आ जाएगा। इसका अगर हम जजर देखें तो ये इसका जजर जो है वो नहीं आता, तो इसको हम यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। और अगर हमने इसको मज़ीद सिंपलीफाई करना हो तो उसके लिए ये होता है कि एलसीएम कर लें, 248 248 224 224 224 212। आगे अगर हम देखें इसको 37 21 फिर 37 71 71, आगे कुछ भी सेम नहीं है। तो ये टू जो पेयर हो वो आ जाएगा बाहर, बाकी ये 221 अंदर आ जाएगा ऐसे ओवर एट। अगर हम टू कॉमन ले लें यहाँ से तो ये बचेगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2 2 1 ओवर एट। सेम टेबल में काट भी सकते हैं 2 1 2 4, नीचे आ जाएगा 4। नहीं जी, इस तरह ये हमारा हो गया जी पार्ट नंबर टू। तो जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे होते हैं वो कमेंट ज़रूर किया करें, ठीक है, कि समझ आई है मेथड, ठीक है नहीं आई, तेज़ समझाया स्लो समझाया वगैरह वगैरह।